हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? थैंक यू भाई, अपने जो है ना चैनल पे जो है ना 500 सब्सक्राइबर जो है ना कंप्लीट हो चुके हैं। ईच एंड एवरी पर्सन को भाई दिल से थैंक यू जिसने भी अपने चैनल को सब्सक्राइब किया है उसके लिए। सुबह जो है ना 8 बजे से मैं जो है ना करेक्ट लॉग इन हूँ। 2-3 ट्रिप बजी लेकिन जो कि परेल वगैरह साइड की थी उसको मैंने एक्सेप्ट नहीं किया है। उसके बाद फाइनली एक ट्रिप मिली है मेरे को जो कि है रिजर्वेशन वाली ट्रिप। किसी ने तो जो है ना कैंसिल की और उसके बाद जो है ना ट्रिप मुझे मिली है। लोकेशन पे आ चुका हूँ मैं, टाइमर स्टार्ट हो चुका है, 9 बजे का पिकअप है, कस्टमर से बात हो चुकी है। फुल ऑन ट्रैफिक मिलने वाला है अपने को आज। 8 बजे के बाद वाला जो टाइम होता है ना वो भयंकर ट्रैफिक वाला होता है। वाशी, मानखू, SCLR, BKC या फिर साकीनाका वाला, अंधेरी कुर्ला रोड, भाई सब जगह जाम मिलने वाला है। पता नहीं अभी मैप कौन सा रूट शो करेगा। अमाउंट काफी अच्छा है इसके लिए ट्रिप एक्सेप्ट कर ली भाई, वरना मैं जो है ना अभी ये टाइम पे जो है ना मुंबई साइड नहीं जाने वाला था। थोड़ी देर के बाद मैं फिर से लॉग इन करता, बट गाइस अच्छी वाली ट्रिप मिल चुकी है। अमाउंट कितना मिला है मैं बताता हूँ एयरपोर्ट पे पहुंच के। ललित होटल से पूरा जाम है भाई एयरपोर्ट पे अंदर जाने के लिए। 55 गाड़ी थी भाई प्रीमियर की और अभी जो है ना 30 पे आ चुका है भाई। 2 घंटा लग गया मुझे, रिजर्वेशन ट्रिप थी 9 बजे की खारघर से। किसी ने तो भाई कैंसिल की थी 40 मिनट पहले, ऑनलाइन नहीं रहेंगे ना तो कैंसिल हो जाती। तो भाई किसी ने ट्रिप कैंसिल की थी जो कि ट्रिप अपने को मिल गई भाई। 993 रुपीज मिला है 36 किलोमीटर का। मेन लेन में ही भाई गाड़ी बंद हो गया उसका। देखो भाई दिख रही गाड़ी साइड में, बेचारे धक्का लगा रहे यार, क्या कर सकते हैं। अभी उसने ट्राई किया बट गाड़ी चालू नहीं हुआ। कभी कभी जो है ना मशीन गाड़ी नंबर जो है ना वो रीड कर लेता है, कभी कभी जो है ना वो गाड़ी नंबर रीड नहीं करता है। अभी इसमें गाड़ी नंबर ही नहीं है भाई। 2 बज गए और मैं हूँ अभी 1 BKC। आज अपना दिन जो है ना बहुत ही लंबा होने वाला है। एयरपोर्ट से अपने को जो है ना एक रेंटल की ट्रिप मिल गई है भाई 12 घंटे की है। एक रेंटल उससे पहले आई थी जो कि थी 7 घंटे की थी, बट मैं सोच रहा कि कोई प्रीमियर वाली ट्रिप ले लेता हूँ। बट उसके बाद एक जो है ना 12 घंटे वाली रेंटल आई गई, 12 घंटे की रेंटल। तो वो रेंटल मैंने ले ली, कस्टमर को लेके गया मैं ताड़देव। वहाँ पे 1 घंटा उनको कुछ काम था, उसके बाद अभी BKC में आए। अभी यहाँ पे शायद उनको 2-3 घंटा लगने वाला है, तो मैं जा रहा हूँ भाई अभी पेन पार्क ढूंढने के लिए। ये वाला तो गाइस ओपन पार्किंग है, लगा देता हूँ इधर ही भाई, यही अच्छा रहेगा। कितना चार्ज है? 1 घंटे का 60 रुपया। क्या बात है, वो जियो में भी सेम ही है क्या? सब जगह जियो गार्डन वहाँ सामने पार्किंग है उधर। 1 घंटे से ऊपर हो जाएगा। अच्छा ऐसा है ना, हाँ ठीक है ना। मेरे को लगा एक फिर बार वापस 60 वापस 60 ऐसा है क्या? आने के टाइम पे दे रहा है भाई। तो टोकन तो ले लिया है, मुझे लगा 1 घंटे का 60 फिर 2 घंटे का 60 फिर 3 घंटे का 60 ऐसा मुझे लगा, बट ऐसा नहीं है भाई। अभी गाड़ी के लिए पार्किंग ढूंढ रहे भाई, किधर तो अच्छी जगह मिलेगी। इधर है अच्छी जगह गाइस, इधर लगा देते हैं और जो है ना चलते हैं कुछ तो खाते बाहर जाके। अभी यहाँ पे BKC में भाई क्या क्या सिस्टम अवेलेबल है पता नहीं है। धूप बहुत है बाहर तो कैप भी पहन लेते हैं। ये हो गई अपनी गाड़ी पार्क। अभी 2-3 घंटा 4 घंटा भाई जब भी कस्टमर आए कोई टेंशन नहीं अपने को। पावती भी जो है ना गाड़ी में छोड़ के जाता हूँ क्योंकि यहाँ पे लिखा है अगर पावती गुम हो गई तो भाई 100 रुपीज का फाइन है। बहुत ही कड़क वाली धूप है तो कैप पहन लेता हूँ। कैप पहन लिए, कड़क वाली धूप चल रही है बाहर। तो अभी ये ब्लूटूथ हेडसेट को रखते हैं भाई गले में, ये डिवाइस तो चाहिए भाई बुकिंग वाला। शायद कस्टमर डेटा कॉल कर दे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। पर्स ले लेते और भाई चलते हैं गाड़ी से बाहर। भाई इतनी ज़्यादा धूप है ना कि गाड़ी अपनी यहाँ पे है ना फुल ऑन गर्म होने वाली है, बट क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। ये देखो पार्किंग भाई, ओपन शेड पार्किंग है भाई। और ये जो है ना ये है फूड कोर्ट BKC का जो नया बना है ना, बस यहीं पे भाई बिरयानी खा लिया एक।
मजबूत वाली धूप है, धूप बहुत है और भाई चक्कर लगा रहे हैं भाई पार्किंग के गोल गोल गोल। भाई वॉशरूम का तो पता नहीं भाई, यहाँ पे वॉशरूम है ही नहीं कहीं पे। खाना भाई ठीक था, पहले मैंने फ्राई राइस ऑर्डर किया था बट भाई फ्राई राइस भाई बहुत ही ज़्यादा ऑयली था, बाकी लोग का डिश आ रहा था ना तो भाई बहुत ही सबका ऑयली था, तो मैंने ना फिर बिरयानी मंगा ली भाई, थोड़ा प्रोटीन वाली चीज़ खा ली। सोयाबीन बिरयानी थी, ठीक थी, अच्छी थी, टेस्ट अच्छा था, क्वांटिटी भी अच्छा था, फुल पेट हो गया अभी तो कुछ टेंशन नहीं है, अभी रात तक कोई टेंशन नहीं है गाइस। तो ये गाड़ी है अपनी, यहाँ पे कहीं पे भी छाँव नहीं है भाई, यहाँ पे थोड़ी सी छाँव मिली है भाई, बाइक वगैरह है यहाँ पे, तो यहाँ पे थोड़ी देर है ना रुकता हूँ मैं, उसके बाद गाड़ी में जाके थोड़ी देर बैठेंगे, फिर वापस थोड़ी देर यहाँ पे आएंगे, ऐसे करते करते अपना जो है ना टाइम थोड़ा निकल जाएगा। फ्रेश होके है ना अभी बैठा हूँ गाड़ी में, थोड़ा सा विंडो जो है ना वो डाउन करके गया था भाई, कसम से बता रहा हूँ गाड़ी जो है ना जर्रा भी तपी नहीं अंदर से भाई, नॉर्मल टेम्परेचर पे ही थी भाई, मतलब जो भी बाफ वगैरह थी ना गाड़ी के अंदर वो सब जो है ना वो थोड़ी सी विंडो जो ओपन थी ना वहाँ से बाहर चली गई। शेड्यूल कुछ इस तरह था कि वहाँ से उन्होंने ताड़देव का लोकेशन डाला, फिर वहाँ से बीकेसी, अभी बीकेसी से जो है ना वो बोल रहे थे मरीन ड्राइव जाना है गाइस। तो ये देखो भाई कहाँ पे हूँ मैं, मरीन ड्राइव पे भाई, ये होटल पे कस्टमर को ड्रॉप किया भाई, एक घंटे बाद मिलना है फिर से, और मरीन ड्राइव पे गाड़ी अपनी पार्क कर दी है यहाँ पे भाई। तो बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया, ऑलमोस्ट 11:30 बज गए और मैं वो अभी सानपाड़ा बेलापुर की तरफ जा रहा हूँ भाई। लास्ट मैंने आपसे बात की थी मरीन ड्राइव पे था, मरीन ड्राइव से भाई कस्टमर को जो है ना भाई खाना खाना था, तो भाई बड़े मियाँ में गए वहाँ पे, काला घोड़ा के यहाँ पे उन्होंने खाना खाया, फिर बोले गेटवे ऑफ इंडिया जाना है भाई। गेटवे ऑफ इंडिया वाला जो सिग्नल है ना लेफ्ट लेते भाई, सिग्नल आगे वाला खुला और मैंने लेफ्ट लिया, पुलिस वाले ने पकड़ लिया, चलो वो तो ठीक है समझा के जो है ना मैं निकल गया वहाँ से, बट कस्टमर गेट ऑफ इंडिया के पास उतरा भी नहीं और बोले होटल पे जाना है, तो मतलब मेरी जो राइड थी ना रेंटल की जो 12 घंटे की थी वो ऑलमोस्ट 10 घंटे से पहले ही जो है ना वो एंड हो गई, और गाड़ी जो है ना 120 किलोमीटर उसका लिमिट था और अपनी गाड़ी चली ओनली 66 किलोमीटर और 2900 रुपये उसमें मिल गए। उसके बाद एक छोटी ट्रिप ओला की वहाँ की आई, तो मैंने मरीन ड्राइव से गिरगांव चौपाटी की मैंने कंप्लीट कर दी, उसका 136 मिल गया, और फिर मरीन ड्राइव से गो टू होम सेट किया मैंने उबर में, तो सातपाड़ा की ट्रिप मिल गई भाई, उस पर 371 मिल गया, तो उबर के साथ जो है ना 4278 और ओला के साथ 136 टोटल जो भी है मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा गाइस। तो इतना जो है ना टोटल आज काम हो चुका है भाई, दिन बहुत ही लंबा हो चुका है, सुबह में 8 बजे जो है ना लॉग इन था और अभी ऑलमोस्ट 12 बज रहा है, 16 घंटे का काम हुआ है आज भाई, 16 घंटे में इतनी अर्निंग हुई है और गाड़ी चली है सिर्फ 150 किलोमीटर गाइस। ब्लॉग पसंद आया हो ना तो लाइक शेयर कमेंट कर देना गाइस, और अगर नए हो चैनल पे तो गाइस फटाफट सब्सक्राइब कर देना। कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, ओके बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट गाइस।